हे फ्रेंड्स, दिस इज दिशिका एंड वेलकम टू माय चैनल दिशिका ब्यूटी। ऑफ फ्रेंड्स, आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ नेचुरल पूजा का बताया हुआ DIY फेस पैक। नेचुरल पूजा जो है वो मेरी फेवरेट यूट्यूबरों में से एक है, क्योंकि वो हमेशा हमको बताती हैं कि हम केमिकल ना यूज करके अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे अपने स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा केमिकल की तरफ भागते हैं, और केमिकल कुछ टाइम के लिए तो हमारे स्किन को बहुत अच्छा बना देता है, लेकिन डे बाय डे आप देखेंगे तो आपके स्किन पे साइड डिफेक्ट हमेशा आते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो खूब सारे DIY लेकर आती हैं, सारे घर के वो होते हैं। और आप तो जानते हैं कि मैं भी जितने भी प्रोडक्ट बताती हूँ वो घर के से ही रिलेटेड बताती हूँ आपके स्किन के ऊपर। तो मैं एक बार वीडियो देख रही थी उनका, तो मैंने सोचा क्यों ना जो इन्होंने ये DIY बताया है फेस पैक, वो मैं अपने अप्लाई करूं और उसका रिजल्ट लैब में आपको भी दिखाऊं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा बहुत चेंज करूंगी, क्योंकि हर चीज सबको सूट नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत चेंज करूंगी इस पैक में। तो देखिएगा जरूर कि मैंने उसमें क्या चेंज करा है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज मैंने करा है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग वो रेमेडी यानी फेस पैक DIY कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका अप्लाई करने पर उसका इफेक्ट क्या आता है। तो चलिए पहले बनाते हैं अपना DIY फेस पैक। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पूजा ने फेस पैक बनाया बनाना का, तो मैं भी बना रही हूँ, कुछ थोड़ा चेंज करूंगी। उसमें केला तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, और मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की जगह मैं बादाम का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल बिल्कुल सूट नहीं करता है। और आपको भी अपने अनुसार ही फेस पैक बनाना चाहिए जो कि आपको सूट करे। और इसमें मैंने चीनी भी ली है, और चीनी जो है वो पाउडर नहीं ली मैंने, इसमें मैंने चीनी ली है खड़ी चीनी। तो थोड़ी सी मैं चीनी डाल दूंगी, और मैं थोड़ा सा इसमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग डालूंगी नींबू का रस, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इन सब को अप्लाई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे पूरा, सॉरी अप्लाई नहीं, पहले मिक्स कर लेंगे, और देखते हैं कि ये मेरे फेस पे क्या कमाल दिखाता है। पूजा के फेस पे तो बहुत अच्छा कमाल दिखाया, अब देखते हैं मेरे फेस पे क्या कमाल दिखाता है। और चलिए अब इसको हम लोग करते हैं अप्लाई। फ्रेंड्स, अब जब वो DIY फेस पैक बन चुका है, तो वो देखने में कुछ इस तरीके का है, और आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करा है, ज्यादा चेंज नहीं करा है। तो चलिए पहले मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और अप्लाई करने के बाद मसाज करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या है। तो फिर मैं इसको आराम से अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, जो केला है वो हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप लोग ने देखा कि बनाना फेशियल भी होता है, तो ये एक तरह का बनाना फेशियल है। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाला है बादाम का ऑयल, ठीक है, और बादाम का ऑयल तो वैसे भी बहुत फायदा करता है, विटामिन ई से भरपूर होता है बादाम का ऑयल। और जो इसमें जो चीनी पड़ी है वो हमारी मृत कोशिकाओं को, मतलब कि जो हमारे डेड सेल होते हैं स्किन में, उसको रिमूव करती है। अच्छा, मैंने इसमें क्या करा है ना, मैंने इसमें पीसी चीनी का यूज नहीं करा, मैंने इसमें जो साबुत चीनी होती है उसका यूज करा। वो इसलिए कि ये जब खड़ी चीनी रहेगी ना, तो वो हमारे फेस पैक पे या स्क्रब का काम करेगी। फेस पैक तो है ही है, फेशियल की भी बन गई हमारी, और ये हमारा काम करेगी, इसका चीनी जो है वो स्क्रब का काम करेगी। पीसी चीनी तो भी हटाती है, लेकिन जितना ज्यादा साबुत चीनी का आप यूज करेंगे ना जब स्क्रब करेंगे, तो उसका असर दूसरा ही होगा। तो इसको मैं 15 मिनट तक की अपने फेस पे मसाज दूंगी केले से, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और सूखने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही होगा, तो आप खुद भी देख लीजिएगा। और क्या आपकी भी पूजा फेवरेट है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है। मैं बहुत दिनों से उनके वीडियोस को देख रही हूँ, और काफी चीजें मैंने उनकी ट्राई भी करी जो वो बताती हैं, और रिजल्ट तो मुझे मिला है 100%। तो आज देखते हैं कि आज इस बनाना पैक का रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी, और रिमूव करके आपको बताऊंगी
क्या वाकई में इसने मेरे फेस पे कमाल दिखाया कि नहीं। लेकिन उसके लिए मुझको तो 15 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। और इसका आप मसाज जरूर दीजिए, मसाज देने से आपके स्किन पे और भी ज्यादा ग्लो आएगा। फेस पैक लगा के छोड़ देने पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब इसको मसाज दे देंगे ना तो आपके फेस पे ये फेशियल जैसा निखार दिखाएगा, फेशियल जैसा। तो मैं 15 मिनट तक इसको मसाज देती रहूंगी और 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं इसका रिजल्ट आपके सामने जरूर दिखाऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। वाकई में बहुत अच्छा फेशियल है ये और बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला है। थैंक यू पूजा कि आपने इतना अच्छा जो DIY है वो हम लोग के संग शेयर करा और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। और आप देख सकते हैं मैंने अभी स्किन पे कुछ नहीं लगाया है और सिर्फ मैं पानी से मुंह धुलकर आ गई हूँ और मेरा चेहरा कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। तो अगर आपके पास ये पार्लर जाने का समय ना हो और आपको किसी को पार्टी में अटेंड करना है और आपके घर में अगर बनाना है, बनाना मतलब केला अगर है आपके घर में, तो उसको भी इसी तरह से मैश करके आप लगा लीजिए। अगर आपके पास बाकी की चीजें नहीं भी है ना, या फिर आपके पास कोकोनट का ऑयल नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, चीनी तो होगी ना, चीनी में मिलाकर आप लगा लेंगे तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑयल इसलिए थोड़ा सा डाला जाता है ताकि वो चेहरे पे एक्स्ट्रा ग्लो आ जाए अच्छा सा। तो अगर ऑयल नहीं भी होगा, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल या बादाम का ऑयल, तो आप ऐसे भी अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और है और आपको सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।